हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है अरविंद अकेला, कल्लू जी और सुधीर सिंह के बीच में कोई चैलेंज हुआ है। वीडियो का नाम है कल्लू को सुधीर सिंह ने दिया खुला चैलेंज, मेरे जैसा गाकर दिखा तो 1,00,000 दूंगा इनाम। तो मजाक मस्ती चल रही है, सीरियस बातें हमें वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो जल्दी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हमरा गावे तो ना मिला, लेकिन हम जब गा देव अगर तू गा देव तो हम अभी 1,00,000 रुपए हार जाए। कि गाना रहे अखियन में भर के नीर, अरे बेपीर, अखियन में भर के नीर, अरे बेपीर, हम रहिया रोज निहारे नी, रख के अंगना दूध भात सगुन के साथ हम कागा रोज उचारे नी। जब हमरा गावे तो ना आवेला, लेकिन हम जब गा देव अगर तू गा देव तो हम अभी 1,00,000 रुपए हार जाए। हम बताओ तभी रुक के आज हम सामाजिक बात कहते नहीं, हम सामाजिक बात कहते नहीं, हम ऐसा कोनो बात नहीं कि कहे जात कि जैसे समाज आज नु पता चल जाता व्हाट्सएप से, फेसबुक से आज पता चल जाता कि मान ली के राहुल भाई कोई मतारी के बेटा कहीं जाके बाहर कमाता लोग, तो पहले कैसे पता चलते रहे, पहले के युग में कैसे पता चलते रहे, तने हमरा के बताए हम लोग। सब लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग पहले के युग में कैसे पता चलते रहे, पहले के लोग कैसे, आज तो व्हाट्सएप फेसबुक से वीडियो कॉलिंग हो जाता, व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाता, ये सब पता चल जाता है। लेकिन पहले कल्लू भाई हमने के जहाँ तक नॉलेज बा, हमने के अपना दादी उदी से सुनने का नहीं सकता कि पहले कोई पति अगर बाहर दुबई चल जाओ, सऊदीया चल जाओ, तो वो लोग के वाइफ क्या करत रही कि आंगना में वो दूध भात रखत रहे लोग। अगर कौआ देखले बनी लो, कौआ अगर कौआ टाइट बोले नु कल्लू भाई तो लोग के लागे कि क्या बात है, कौआ टाइट बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ माहौल खराब बा का। ओकरा के मीठ बोलवावे खातिर अनिरुआ मीठ बोलवावे खातिर ओकरा के दूध भात पे चीनी डाल के खियावल जाओ कि मीठ बोलो कि हमार पति, हमार बेटा, हमार भाई जब विदेश में बा उ सुरक्षित बान, उ घर के लेडीज लोग करे लोग। लेकिन पहले के सभ्यता और आज के सभ्यता में थोड़ा अंतर आ गया, तो रउआ लोग बहुत बेहतरीन गावे। लेकिन पहले हमरा गावे तो ना आवेला भाई, हमारा आवाज़ तो हमारा लगे नहीं कि हमारा आवाज दुनिया में दूसरा हिसाब से गुजरा। लेकिन हम जरूर एक लाइन कहें कि गाना रहे अखियन में भर के नीर, अरे बेपीर, अखियन में भर के नीर, अरे बेपीर, हम रहिया रोज निहारे नी, रख के अंगना दूध भात सगुन के साथ हम कागा रोज उचारे नी। क्या बात है। जब दूर देश से कोई लौटल तो हमरो लागल के हमरो साथ ही वापस आवत। ये सब गाना कल्लू जी, हम चाहें तो ऐसा गाना इंडस्ट्री में होको, काहे कि आज भी हमने के देहात स्तर पे गरीबी बहुत बा। आज भी अमीर जे बा खूब अमीर बा, जे गरीब बा खूब अमीर बा। तो गरीब लोग खातिर कभी मौका मिले तो वो लोग के भावना के समझे, हमने के देहात में घूमे नहीं समझे। जब वो लोग रोएला तो करेजा रोएला, हमने के जहाँ पैकेट में 2-4 रुपया रहेला ले जाके मदद करे नहीं सर, जितना हिम्मत रहेला। लेकिन सब लोग के सफल ना हो पूरा हम देश तक, पूरा बिहार तक घूम पावे ना, जहाँ बानी उधर सक्षम बानी। तो रउआ लोग ऐसा गाने के जरिए प्रोत्साहित करें नेता लोग के, कि जे हमने के देश चलावता, जे हमने के बिहार चलावता, कि तनी प्रोत्साहित करें ऐसा गाना गायब लोग, तो शायद वो लोग देहात की तरफ जाओ लोग और गरीबी के अपना गाने के जरा खत्म करो लोग, कि कम से कम वो माई बहन बेटी लोग सुरक्षित रहो। बाकी रउआ स्टार बानी, रउआ से बड़का के स्टार बा, हमारे तो छोट भाई बानी, हमारा बहुत पहले हमारा बगल के रुआ है, बहुत पहले रुआ के लड़का में हम देखले रहे और आज बहुत खुशी होला। फिर और बहुत चाहे वाला लोग भगवान करो कि दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ी, ये बर भाई का आशीर्वाद बा। एक बार जोरदार ताली सुधीर भैया खातिर, उनकर पूरा टीम खातिर। बहुत कम जगह ऐसा माहौल मिलेला जहाँ बैठ के दुगो बात और लोग से सुने को मिले। और रुआ से वादा करतनी, जितना पुरान पुरान गीत सब लोग आज भोजपुरी में सब फोके गीत चलता, भोजपुरी के पहचान फोक से बात नहीं, जितना युवा भाई लोग बा लोग खाली तनी वेस्टर्न गावे के पड़ेला। हम आगे भी कोशिश करब जितना हमारा गाना के जहाँ गाँव देहात जहाँ तक हमार बात पहुँचवाओ, और हम बात के ध्यान रखते हुए
होके आ गाना बनाई आ हमनी के रुआ दर्शक बनी नन्ना बड़ा बढ़िया गीत लिखी ना हम ई सोशल मीडिया के माध्यम से जानते नहीं रहू दिल टूटल बा कि नहीं टूटल लेकिन रुआ बड़ा बढ़िया शायरी और गीत बड़ा बढ़िया लिखी ना यो हमारे जानकारी बा तो रुआ अगर कलम से कुछ निकलो और हमारा के दे दे हम अपना आवाज में गाई तो हमारा खातिर बड़ी सौभाग्य की बात रही एगो बड़ा बढ़िया रुआ बात बोलनी है कि जैसे बहरा में लोग रहेला तो पहले के जमाना में कैसे पता चलत रहे एगो हमू गीत गौले रहनी गोलू भैया तो जी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी सुधीर भैया ने जो बात बताई है कि पहले क्या होता था कि अगर हस्बैंड वाइफ दूर दूर होते थे किसी का बच्चा दूर होता था दुबई या कोई दूसरे शहर में है दूसरी कंट्री में है तो क्या वो मीठे चावल और दूध रख देते थे और अगर वो कड़वा बोलता था या टाइट बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे कि भी वो खतरा है थोड़ा बहुत तबीयत खराब है या कुछ भी और अगर मीठा कौवा बोलता था तो ऐसा लगता था कि सब कुछ सुरक्षित है और आप इमेजिन करोगे यार पहले का लाइफ कैसा था मतलब कितना ज़्यादा वेट करती थी ना मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए वाइफ हस्बैंड के लिए एक माँ अपने बच्चे के लिए बच्चा अपने माँ के लिए एक मतलब फैमिली मेम्बर्स है ना बहुत स्ट्रगल का टाइम होगा यार जैसे मेरी मम्मा मेरे पापा फौज में थे है ना अब रिटायर हो गए हैं अब आर्मी पुलिस में हैं तो मेरी मम्मी घर रहती थी और पापा मेरे फौज में थे तो मम्मी बताती हैं कि मतलब जैसे कभी कभी महीने दो महीने में 20-25 दिन में फ़ोन आता था और बस वेट करते रहते थे चिट्ठियां चलती थी उस टाइम पे तो मुझे लग रहा है कि जो सुधीर भैया बात करें वो चिट्ठी से भी पहले की बात कर रहे हैं कि जब चिट्ठी भी नहीं चलती थी क्योंकि दुबई में कैसे चिट्ठी जाएगी उस टाइम पे नहीं इतनी लोगों को नॉलेज थी इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी तो मैं जैसे ही बोल रही थी तो मैं फील कर पा रही थी कि मेरी मम्मी कैसे मतलब है ना चिट्ठियाँ लिखती थी कभी महीने दो महीने में फ़ोन आता था तो कितना वेट करते थे कितना स्ट्रगल था ना उनकी लाइफ में भी और फिर इन्होंने ये बात भी बोली कि अब तो क्या है ना अब तो फ़ोन है व्हाट्सएप है तो अब बहुत फैसिलिटी मिल चुकी है बहुत सोर्सेज हो गए हैं बात करने के लिए हालचाल पता करने के लिए लेकिन पहले ऐसा नहीं था और इनका गुजारिश है अरविंद भैया से कि कुछ ऐसा गाओ जो मतलब पुराने टाइम की यादें ताज़ा हो जाएं और अरविंद भैया का कहना है कि ये बहुत अच्छा लिखते हैं सुधीर भैया की कलम बहुत अच्छी है अगर ये मुझे कुछ लिख के दे देंगे तो मैं ज़रूर उसको गाऊंगा तो बहुत अच्छा मुझे ये वीडियो लगा लेकिन वीडियो छोटी थी मैं उम्मीद करती हूँ मुझे इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर मिले अगर आप लोगों को मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि इसका ये सेकेंड पार्ट है मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ मुझे जरूर बताएं और ये बात बिल्कुल सही है पहले से अब बहुत कुछ चेंज हो गया पहले का ज़माना बहुत अच्छा था सब कुछ बहुत प्यारा था अब वो इतना अच्छा नहीं रहा इंसान अच्छे नहीं रहे बेशक कोठियां बन गई है वाईफाई आ गया है एसी आ गए हैं फ़ोन आ गए हैं लेकिन जो सुख पहले था जो सुविधाएँ पहले थी वो अब नहीं रहा गलत खान पीन आ गया अब सब कुछ आर्टिफिशियल इंजेक्शन से खाना मिलता है फ़ोन से हमें इतनी प्रॉब्लम होती है बच्चों को भी हमें भी लेकिन फिर भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और पहले स्वास्थ्य लोगों का कितना अच्छा रहता था क्योंकि वो हर कुछ ताज़ी ताज़ी खाते थे अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे अच्छे सबके विचार थे अब बहुत गड़बड़ हो गया भाई बहुत गड़बड़ हो गया अब तो क्या ही कहना तो प्लीज़ आप लोगों की इस वीडियो को लेकर क्या राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगी फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें चैनल को सब्सक्राइब करें टाटा बाय बाय।